क्या होता है, ये डिफरेंस है। ये बुक में भी है, प्रिंट टू पैरामाउंट में भी है, सेम क्वेश्चन आई यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। इसे पता लगता है कि मैंने रट्टे मार रखे हैं। कोर्स पूरा नहीं हो रखा है, हम उनको सुनाओ यार, मैं क्या से कर रहे हो, मुंह देख कैसे बना रखा है। अरे चलो किताब बंद करो, कॉपी बंद करो, ऐसे पढ़ाऊंगा मैं। कहते आप कॉपी बंद करो, देखो प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन देता हूँ 10 मिनट के अंदर अंदर, फिर लिख लेना। एक टेबल बनेगी, जब भी प्रॉब्लम किसी भी बैच में पढ़ाता हूँ तो उसमें मैं कॉपी किताब एक बार बंद करवा देता हूँ। आई लेते हैं सर, मतलब एक बार कॉपी किताब और पेन से ध्यान हटा दो, ध्यान सारा यहाँ रख दो, इतना कहेंगे। मैंने लिखा कि प्रोनाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन है, इतनी मार्क के भर के नहीं रहते भाई साहब, बोले मार दो। प्रोनाउन जो होता है प्रॉक्सी ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन द वर्ड एग्जिस्ट, दे आर नोन एज प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान कराने वाले शब्दों सर्वनाम ये हुई। अब जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन के अंदर कई केस होते हैं, और सबसे पहला केस जो होता है वो होता है सब्जेक्टिव केस, और दूसरा जो केस होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा जो केस होता है वो होता है पजेसिव केस, और चौथा जो केस होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव केस। अगर मैं बात करूं कि एक सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन कैसे बनती है, कंस्ट्रक्शन होती कैसे है, तो एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब से पहले आने वाली चीज सब्जेक्ट होती है जिसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, और वर्ब के बाद आने वाली चीज ऑब्जेक्ट होती है जिसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि सबसे पहली बात आपके पास पहला जो प्रोनाउन होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है जी? पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सनल शब्द है उसका मतलब क्या होता है? अपना पर्सनल है, जो चीज पर्सनल इज समथिंग रिलेटेड टू पर्सन, पर्सनल इज रिलेटेड टू पर्सन। अब वो पर्सन आपके पास दुनिया में कई तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं, मैं तुम और वो, मैं और वो, तुम है ही नहीं, तुम हमेशा ई एम आई पे रहोगे, हम जाते वक्त। तो सब्जेक्टिव केस में सबसे पहले आता है आई और दूसरा आता है वी, और क्योंकि ये खुद बात करने वाले पहले लोग हैं, अपनी बात करने वाले, इसलिए इसको फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, और आई का बनता है वी और वी का बनता है अस। सेकंड पर्सन के तौर पर आपके पास चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो क्या होता है? यू, और यू का ऑब्जेक्टिव केस में बनता है यू। थर्ड पर्सन के तौर पर आपके पास तीन चार चीजें होती है, एक ही, एक शी, एक इट और एक दे। ही से जो बनता है वो बनता है हिम, शी से जो बनता है वो हर, इट से जो बनता है वो सेम इट रहेगा, और दे से जो निकलता है, दे से जो बनता है वो गम नहीं निकलता। इसका मतलब मेरे को पता लगा कि मैंने लिखा आई लाइक इट, मैंने क्या बोला आई लाइक इट, इसका मतलब लाइक से पहले ये आई है, तो कौन सा काम कर रहा है? सब्जेक्टिव केस, सो बिल्कुल सही है, आई बन सकता है सब्जेक्टिव केस में। अगर मैं बात करूं इट, तो यहां पर इट सब्जेक्ट का काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का, कि इट तो सब्जेक्ट में भी इट होता है और ऑब्जेक्ट में भी इट होता है, तो पता लगता है कि वर्ब के बाद में, तो पक्का क्या होगा ऑब्जेक्ट। ये सुनो, एक में लिखता हूं यू लाइक मी और एक में लिखता हूं आई लाइक यू, और एक लिखता हूं आई एम लाइक यू, तो मुझे बताओ यहाँ पर मी यू या यू किसका काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट का, और यहाँ पर यू आई आई किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं बात करूं कि यू सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और यू ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, मतलब स्पेलिंग चेंज नहीं कर रहा, दिख रहा है? सो इट और यू आर टू स्पेलिंग विच डू नॉट चेंज देयर स्पेलिंग इन बोथ द केसेस, आइदर सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस।
क्योंकि यहाँ पर कई बच्चों को कंफ्यूजन आ जाती है, इट का इट्स होगा, वो पजेशन के अंदर जाकर होगा, अभी थोड़ी देर में देखें। दूसरी बात अगर इसी के अंदर आगे जाकर जाऊं तो ये आता है पजेसिव केस, और पजेसिव केस के अंदर हमने दो चीजें पढ़नी जरूरी है। सबसे पहले पढ़ेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, बोलना एक बार, पजेसिव एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या होते हैं? नाउन एवं प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को, ठीक है। और इसी पजेसिव एडजेक्टिव से बनता है पजेसिव प्रोनाउन। तो चैप्टर कौन सा चल रहा है? प्रोनाउन का। तो पजेसिव प्रोनाउन डिराइव किससे होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव से। अगर मैं कहूँ आई या मी, तो मैं कहूँ मेरा, तो इसके इंग्लिश क्या बनी? माई। लेकिन मैं कहूँ ये मेरा पेन है, दिस इज माई, या दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, तो माय के साथ कोई ना कोई नाउन जोड़ना जरूरी है, यानी एडजेक्टिव अपने साथ पक्का पक्का किसको ऐड करेगा? नाउन को। लेकिन पहले से बात कंफर्म है कि पेन की ही बात हो रही है, तो दिस पेन इज माय या माइन, माइन, तो ये बन जाएगा माइन। तो इसका अरे हो मुंडेर पते। अगला देखिए वी, और वी का क्या बन जाता है? आवर। और पजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है इसका? आवर। और ऐसे यू का बनता है तुम्हारा, और तुम्हारा स्टूडेंट, तुम्हारा दो भी है, तुम्हारी क्लास, तो योर्स। मैं कहूँ दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन, दिस पेन इज योर्स, तो अब बताओ इसका क्या बनेगा? हिज। अब आप देख पा रहे होगे आवर को प्रोनाउन बनाने के लिए क्या लगाया? हैज। तो योर के साथ में क्या लगा? हैज। तो हिज का क्या बन जाएगा? केवल हिज लगाते, ठीक है। सो ये नहीं बनेगा, इसका हिस ही रहेगा। लेकिन एच आई एस एस आई एन जी साउंड का नाम होता है। अ साउंड मेड बाय स्नेक इज नोन एज हिसिंग साउंड। लिखिए, अ साउंड मेड बाय स्नेक इज नोन एज हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड वही फुसफुसाती हुई साउंड होती है, करके दिखाना। अरे हो नाग पंचमी नाग नागिन या नाग नागिन, तो तुम नागिन क्यों खाते हो? एक स्नेक टेल से भी आवाज करता है, देखो कितना ऑब्जर्वेशन है भाई साहब। स्नेक की टेल से भी आवाज करता कैसी बातें करते हैं रिकॉर्ड करके अगला देखिए सी का बना है। तो अगर मैंने लिखा मैं उसे पसंद करता हूं तो क्या लिखूंगा? आई लाइक हर। लेकिन मैं कहूं मैं उसकी किताब को पसंद करता हूं, आई लाइक हर बुक, यस और नो? इसका मतलब हर एक ऐसा वर्ड है जो ऑब्जेक्टिव केस का भी करता है और पजेसिव एडजेक्टिव का भी काम करता है, हर का क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन था सर्कल कीजिए, यहाँ पर ये कंफ्यूजन था सर्कल कीजिए, यहाँ पर ये कंफ्यूजन था सर्कल कीजिए, और यहाँ पर एक और कंफ्यूजन आता है सर्कल कीजिए, और यहीं से चार जगह से क्वेश्चन बनते हैं, अदरवाइज एसएससी क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। ये कंफ्यूजन क्या होगा, वहीं ऑप्शंस बन सकते हैं, वहीं आपको नहले जहले करने पड़ेंगे। और हर का जो पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा वो क्या बनेगा? हर्ष, उल्लास, प्रसन्न। इट का बनेगा इट्स, क्या बनेगा? इट्स। और इट का पजेसिव कोई प्रोनाउन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये नियम है, याद रखिए। अगर मैं कहूँ अगर आपके पास एक गिलास दूध है और ये किसी ओटली नहीं है या घोड़ी लग रही है, चौरासी है वो, सुबह अगली का, हाँ, इसके अंदर एक सिलेंडर डाल दो, एक लॉकेट बांध दो, एक चश्मा लगा दो, और एक कैप लगा दो, और ऊपर लिख दो ठग लाइट।
सही है, अजीब से लग रहा है। ठीक है, हो गया टाइम पास, पढ़ा लो। पढ़ लो। फील लाइक इट इज बा फेलो। हां गाइस। गाइस आई। हाउ गाइस। पूरी दुनिया में गाय एकमात्र पशु मानी जाती है जो दूध देती है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ गाय दूध के अलावा वोट देती है। दूध के अलावा वोट देती है। वोट दे देम, तो इससे बनेगा देयर और इससे बन जाएगा देयर्स। तो इसी सब्जेक्टिव केस को हटाकर एक इंडेफिनिट केस होता है वन। तो वन का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या बनता है वन, और वन का पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनता है वन, और इसका कोई पजेसिव प्रोनाउन क्रिएट नहीं। अगर मैं बोलूं एक बार सुन लेना, अभी रिफ्लेक्सिव केस और बता दूं फिर। ये एक गिलास दूध है और ये एक गिलास एक बाल्टी जो दूध है वो इस भैंस का है, इस गाय का है। तो मैं बोलूंगा कि इन दिस मिल्क, या दिस इज इट्स मिल्क, दिस इज इट्स मिल्क। मैंने गाय को बोल दिया ये है इसका दूध, लेकिन इस मिल्क को यही ले आऊं तो दिस मिल्क इज इट्स अगर मैं लिख दूं तो बताओ ए एंड बी में से एक्यूरेट सेंटेंस क्या है। और ये दोनों सेंटेंस दिए हुए थे एनएमआरसी की परीक्षा में, और क्वेश्चन पूछा गया था, इसको बोला गया था फर्स्ट, इसको बोला गया था सेकंड। ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, नाइदर वन नॉर टू इज करेक्ट, बोथ वन एंड टू इज ऑल करेक्ट, इस तरह से। तो याद रखिएगा इट्स जो होता है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है जिसके साथ नाउन आएगा। इट्स एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है जिसके साथ क्या आया हुआ है नाउन, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। और इट्स प्रोनाउन की तरह यूज बिल्कुल भी नहीं होता, यानी अकेला अकेला यूज नहीं होगा, यानी ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। प्लीज नोट इट डाउन, लीविंग सम स्पेस फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। केस रिफ्लेक्सिव का मतलब, अच्छा रिफ्लेक्सिव शब्द किससे बना है, रिफ्लेक्स। अब आपने एक चैप्टर पढ़ा था किसी क्लास में, 10th क्लास में शुरू होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 8 था, 8 या 9 था, मेरे पिछले साल तो यही था, 10वें में था मैं। नहीं कंपाल्ट आ गई थी मेरी चट्टी में। जी आ रहे फोन में 10वें में। तो रिफ्लेक्स एक्शन कौन से होते हैं, द एक्शन इज टुवर्ड्स स्टिमुलाई इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन, ऐसे ही बोलते हैं। यानी जो चीज अपने आप से रिस्पॉन्स हो, अगर आपके गरम गरम चिमटा लगा दिया जाए तो एकदम अच्छा छोटी ना लत मेरा चिमटा लगा और मैं दूर नहीं करूँगा, इंटेंशनल नहीं होगा वो, अन इंटेंशनल होगा, तो दिस इज रिफ्लेक्स मोशन, यानी अपने आप हो रहा। तो अगर कोई पर्सन आई, अगर मैं खुद से इस बोर्ड को साफ कर रहा हूँ तो एम्फेसाइज करने के लिए मैं बोलूँगा कि आई रब्ड द, I cleared the board myself. मैंने खुद से ये board साफ किया था। तुमने ये खुद से काम करना पड़ेगा। You have to do this task yourself. So इसका मतलब है कि I का क्या बनता है? Myself. तो V का क्या बनेगा? Ourself. क्या बनेगा? Ourself. बताओ सही लिखा है गलत? गलत लिखा है, क्योंकि सेल्फ जो होता है वो सिंगुलर होता है और सेल्फ का जो प्लूरल बनता है वो क्या बनता है? सेल्फ। नाइफ का नाइव्स, तो वाइफ का वाइफ्स। अगला योर सेल्फ का, सॉरी योर का कितने बनेंगे? यू के दो। अगर आप किसी एक सिंगल पर्सन से बात कर रहे हो तो योर सेल्फ रहेगा। क्या रहेगा जी? योर सेल्फ सिंगुलर के लिए। लेकिन आप पूरी क्लास को बोल रहे हो कि यू हैव टू ब्रिंग योर नोटबुक योर सेल्फ या योर सेल्स, योर सेल्स। अगला देखिए, मार्कर चेंज कर लो सर। अगला अगला देखिए, ही का ही सेल्फ होगा या हिज सेल्फ होगा?
हिमसेल्फ होगा, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए शी का हरसेल्फ, इट का क्या बनेगा इटसेल्फ, और देम का क्या निकलेगा देमसेल्फ, तो वन का क्या बनेगा वन सेल्फ या सेल्फ सेल्फ। ठीक है, अब आ जाओगी क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट नंबर वन, कॉन्सेप्ट नंबर टू, थ्री और फोर, तीन चारों कॉन्सेप्ट एक साथ दिखा रहा हूँ, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करूँ। और सबसे पहले मैं इन दोनों चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, केवल और केवल सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्लास। तो इस पूरी की पूरी लाइन को, दोनों लाइन को बिल्कुल दिमाग में रखें। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, और सेकेंड कॉन्सेप्ट ये है कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये सिंपल उसी डेफिनेशन से आई है कि एक सेंटेंस की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होती है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद। तीसरी जो चीज़ है वो ये है, प्रपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस यूज नहीं होता, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। इफ यू एनकाउंटर एनी प्रपोजिशन देन इट मस्ट बी Succeeded or preceded? Succeeded by objective case. और fourth ये है, if you have it along with the verb be, then subjective case must be taken into account. If you have it along with be, then always subjective case must be taken into account. बेशक be verb है, verb के बाद में भी ये subjective case ही आएगा, objective case नहीं आएगा। अब बताओ रूल याद करना आसान है या इसके ऊपर चार चार पांच पांच क्वेश्चन बनाएं तब आसान लगेगा, तब आसान लगेगा, दिमाग खुलेगा, चीजें याद रहेगी। हाय क्वेश्चन नंबर वन, अगर मैं आपके कहूं मी एंड माय फादर हैव टू असेंबल these sets, me and my father have to assemble these sets, और ये क्वेश्चन, तो बताओ ये have to लिखा हुआ है, यानी ये वर्ब है, और वर्ब से पहले सारा का सारा केस किसका काम करेगा, सब्जेक्टिव केस। माई फादर तो सब्जेक्ट में हो तो भी माई फादर रहेगा, और ऑब्जेक्ट में हम भी हो तो भी माई फादर रहेगा, और माई फादर है तो माई फादर ही रहेगा। लेकिन ये जो मीन है वो तो प्रोनाउन का केस है, और ये क्या बन जाना चाहिए आई, क्या बन जाना चाहिए आई, तो गलती कौन से पार्ट में आई ए, ठीक है लास्ट में आई। अगला क्वेश्चन नंबर टू, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये करके दे दूं, दे मस्ट लुक आफ्टर शी एंड शीज सिस्टर, A, her, B, her and her, C, she and her, और D, no and no. अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि आंसर क्या आएगा A, क्योंकि उसको देखभाल करनी चाहिए, उनको देखभाल करनी चाहिए, इसकी उसकी और उसकी सिस्टर की, तो सबसे पहले तो उसकी लुक आफ्टर करना है, तो हर और सिस्टर के लिए भी शीज नहीं होता, उसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनता है हर। आप देख पा रहे होंगे हर ऑब्जेक्टिव केस का भी काम करता है और हर पजेसिव एडजेक्टिव का भी काम करता है, और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ पक्का क्या मिलेगा नाउन, तो क्या लगा हुआ है हर के साथ सिस्टर एज ए नाउन। और कई बच्चों का मन करता है कि क्यों नहीं मैथ की तरह कॉमन ले ले हर दो बार है एक बार लगा दें, एक बार नहीं आएगा हर एंड हर सिस्टर, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे मन में तो आ रहा है।
लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है या ऑब्जेक्टिव केस? ऑब्जेक्टिव केस। आप एक बात और भी तो देख पा रहे होंगे इसी क्वेश्चन के अंदर, फ्रेजल वर्ब का निर्माण कैसे होता है? फ्रेजल वर्ब का निर्माण कैसे होता है? 1,00,000 साल तक पृथ्वी के अंदर ऐसे तो नहीं होता, फ्रेजल वर्ब का निर्माण वर्ब के साथ प्रेपोजिशन के ऐड होने पर होता है, यस और नो? इसका मतलब ये क्या आ गया? प्रेपोजिशन। और मैंने क्या बता रखा है? प्रेपोजिशन के बाद भी क्या यूज होगा? ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3। बिटवीन यू एंड आई ऑल द प्रॉपर्टी has to be allocated. Between you and I, there is a beach here. All the property has to be allocated. बांटी जाएगी, बांटी जानी है, बांटी जानी पड़ेगी, बांटी जानी पड़ेगी। बोलो जी, एमें, बिल्कुल सही बात है। बिटवीन के साथ क्या आता है हमेशा? एंड। ये बात कब बताई थी सर ने? कंजंक्शन में, प्रेपोजिशन में, फ्रॉम टू बिटवीन एंड, है ना? अब बिटवीन के बाद यू और ये आई है, एंड अपने लिए पैरेललिज्म फॉलो करता है, जैसा इधर वैसा उधर, लेकिन बिटवीन अपने आप में क्या होता भैया? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस। अगर एंड से पहले ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्या ये यू ऑब्जेक्टिव केस है? तो यू चाहे सब्जेक्ट में हो या ऑब्जेक्ट में हो, हमेशा क्या रहता है? यू। इसकी कोई गलती नहीं है। हे यू, समझ में आया? लेकिन दूसरी बात, अगर मैं आई की बात करूं तो आई तो सब्जेक्टिव केस है, बट व्हाट आई नीड? ऑब्जेक्टिव केस। सो शुडंट इट बी मी? यस और नो? कहीं मी नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो गलती कौन से पार्ट में है? ए पार्ट में। तो प्रेपोजिशन के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस लगता है। हाँ जी, ये मुझे ना वो कोई चीज चल रही है, छोड़ दो ना इसको, ले के लेना बुक, ये बुक में भी लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा बुक में। ऐसा ना, मेरे पास स्पेस में है ना, इसमें से सारी चीज दिखानी है, तो इसलिए मैंने यहाँ कॉन्स्टेंट कर रखा है इसको, तो ये तो आप फिर भी नोट कर लोगे थोड़ा सा टाइम मांग के। क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं आपके पास हूँ, डोंट लुक एट आई एंड शी फील्स ऑब्नॉक्सियस, क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ जाता है, बता भाई हो जाएगा आसान से, मर्जी के बच्चों से क्वेश्चन पूछो। हाँ भाई, इन्होंने आंसर बताया, सबका नंबर आएगा, सबका बदला लेगा कौन? फैजल। ए आंसर किस किस का आ गया? ए खड़े हो, गलत है, डी होगा। कैसे? ये बदल करना, डी कैसे आ गई? ए आ गया, डी तो कैसे आ गया? डी तो सही वालों का है।
चलो चलो कोई बात नहीं, ये देखो क्या लिखा हुआ है एड। एड अपने आप में क्या होता है? प्रपोजिशन। अब बच्चा रट्टा मार देता है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो ये भी कैसा हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो ये अगर मी होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? बेटा एक बात, ये एक सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है कि मेरी तरफ मत देखो, वो बुरा मानता है, वो बुरा मानती है। तो ये फील्स क्या है? वर्ब, और वर्ब से पहले ये क्या होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस। तो ये तो आएगा ऑब्जेक्टिव केस और ये आएगा सब्जेक्टिव केस। दोनों चीजें एक साथ चेक करनी है। कॉन्टिन्यूएशन में यहाँ पर और कुछ नहीं था, एक ही बात की बात खत्म हो गई थी। इसमें बातें दो दो बातें चल रही है और बातें समझ में नहीं आए तो बातें बन जाए। हाँ तो बताओ आंसर क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस तो चाहिए, पर दूसरे में क्या चाहिए था? सिंपली सब्जेक्टिव केस। क्या आएगा? मी एंड शी। व्हाट इज द आंसर? डी। तो पैरेललिज्म फेल क्या होता है उसका क्वेश्चन है। इसका कारण लिखिए, क्यों आया, कैसे आया, दर्जा के समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर विजयन डज नॉट फेवर एनीवन एक्सेप्शनल। तो याद रखना एक्सेप्ट जो शब्द होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद ऑलवेज क्या रखता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो शी आएगा या हर? तो एरर कौन से पॉइंट में हो गया? सी। शी आएगा या हर? हर। तो एरर कौन से पॉइंट में हुआ? शी का। बात है सी में गलती है, सी में गलती है, एक ही बात। ठीक हो गया, सी हो गया। मैंने अभी क्वेश्चन टाइम नहीं पढ़ा ना, उसमें भी ऐसे झूल रहे। चलिए आखिरी क्वेश्चन दे दी इस कॉन्सेप्ट का। सेंटेंस के अंदर गलतियां छाटो, कितने शब्द गलत? एक दो तीन या चार? दो। इसमें तीन गलतियां हैं या चार गलती, या दो गलतियां हैं, एक गलती है, ऐसा गलतियां आई नहीं, आप लिख ही सकते हो क्या गलत? तो बिल्कुल देख लिखोगे। हाँ स्पेक्स, मैं नाम आप आंसर बताओ। एक दो तीन चार, तीन आ रहा। हाँ जी देवी, त्री देवी, तीन आ रहा। हाँ जी ग्रामंडो, चलो मी की जगह देखो इस या आर लगा हुआ, यानी वर्ब है। वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। तो मी का मतलब क्या तो हो गया? आई। तो आई से रिलेटेड मदर है तो माय मदर होना चाहिए, तो दूसरा शब्द ये गलत है। एंड का मतलब क्या होता है? प्लस। एक और एक दो, इसकी जगह क्या होना चाहिए? आर। दिखाई दे रहा था ये? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कैसे कनेक्ट होता है? प्रोनाउन की है।
तीन गलती हो गई, अब चौथी गलती बताओ। एट्स हाउस नहीं होगा, किसी कुत्ते बिल्ली से मिलने थोड़े नहीं जा रहे हैं, नहीं है घर से मिलने जा रहे हैं, तो हर का ही हाउस होगा। ठीक है, आपने मी देखा ही नहीं। चलिए अब मैं थोड़ी सी पढ़ी की बात मतलब हल्की पढ़ी की बात करता हूँ थोड़ी सी। हाँ अब मेरी बात याद रखिए, देखो शाम कल तो बोर बोर बैठा था तू, हाँ बोरिंग में बदवाने गया था। अरे वो बच्चा निकल गया क्या? नहीं, वो एक खड्डे में गिर गया था, 5-7 दिन निकल गया क्या? मैंने खबर नहीं पड़ी है, मैं बैचेस ले रहा हूँ ना, खबर नहीं। तो वो कितने फीट में गया था? अरे जी चलिए कैसे जाते हैं, वो एक प्रिंस भी गया था, उसके बाद एक और भी खबर आई। ना ना वो तो ठीक है भाई, वो तो बच्चे आखिर उनके पेरेंट्स होते नहीं क्या आसपास? अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लेना चाहिए माँ बाप के ऊपर। और क्या, बच्चे मर गए अमनू का बच्चे सप्लाई करो, और किसी की टंकी में निकल जाएगा वो बच्चा पानी के साथ साथ। चलो मैंने सोच तो तब कई चीज हमें अभी नहीं मिला। अरे एक बात बताओ, आप किसी से मिलने गए? अरे ओ भाई साहब ये नहीं चलेगा भाई साहब, आपका नाम बताना पड़ेगा। विशाल, विशाल भाई नाम दिशा एंड निशा रात अंधेरे। अरे ये क्या नाम देता है? विशाल, विशाल जी ना, विशाल जो है वो निशा के घर मिलने गया। सुनना बड़े ध्यान से, यहीं से रूल नंबर 4 निकलेगा, जिसने ध्यान नहीं दिया भगवान करे उसके समझ में ना। अब जैसे ही विशाल इसके घर गया तो गेट बंद था, इसने किया ऐसे नहीं टक टक टक, तो अंदर से आवाज आई कुंडी मत खड़काओ राजा। नहीं ये 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 नहीं बोला, ये मेरे दिमाग की उपस्थिति, आगे ये क्या बोला होगा मैं इसके हिसाब से बता। ये कुछ भी नहीं बोला, कुंडी कुटका के चुपचाप बैठ गया। उसके बाद बोली कौन? निशा। निशा अंदर से बोली कौन है? क्या बोली? कौन है? तो ये क्योंकि पहली बार मिलने गया था, इसने रिप्लाई हिंदी में नहीं दिया, इसने रिप्लाई इंग्लिश में दिया, और ये बाहर खड़ा खड़ा बोला इट्स मी। जैसे ये बोला इट्स मी, बोला दबा यहाँ से, बोला क्यों? बोले इसमें एक एरर, इसमें एक एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि जब ये बोला इट्स मी तो आखिर इट्स का मतलब था इट इज मी बोलना चाह रहा था, और इसको रूल नंबर 4 याद नहीं था कि अगर इट के बाद बी की कोई भी फॉर्म हो तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। बोलना क्या था? इट इज आई। क्या बोलना था? इट इज आई। सो ग्रामेटिकली इट इज आई इज करेक्ट, बट इन इनफॉर्मल इंग्लिश इट्स मी इज सेम्स करेक्ट। समझना, अब बताओ व्हाट इज रिक्वायर्ड इन योर एग्जामिनेशन, फॉर्मल इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश? फॉर्मल इंग्लिश, योर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश इज बेस्ड अपॉन योर फॉर्मल इंग्लिश, एक्सेप्ट योर इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, दे आर सो मच इडियोटिक। पहली बात। दूसरी बात, आप में से कितने बच्चे फेसबुक चलाते हैं? सबकी गारंटी मतलब अपने अपने बताओ, फेसबुक चलाते हैं? मैं आपके सारे निजी कारनामे जानता हूँ, मैं इंडिविजुअल पे आऊँगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप अपने अपने बात बताओ,
हाँ जी फेसबुक चलाते हैं? चला, कब से चला रहे हैं? 12th क्लास से। अब कौन सी क्लास में? तो ऐसे बोला करो ना, कौन से ईयर से चला रहे हैं? मेरे को क्या पता 12th से। मैं थोड़ी ना 12th में आपके साथ था, आप तो मेरे सीनियर हो सर। अरे ओए, तेरी 12th पास नहीं हुई क्या? तो जिसने भी पहली बार फेसबुक खोली चलाई है और उसके बाद जैसे जैसे वक्त बदलता गया तो फेसबुक आपने कितने लोग थे जिन्होंने लैपटॉप और कंप्यूटर पे चलाए थे और बाद में जाके मोबाइल पे चले थे? मोबाइल में वो पहले तो वो आए थे ABC, CD। तो उसके बाद सेल्फी का क्रेज भी आया। सेल्फी, सेल्फी का मतलब स्वचित्र का। अब उसमें आदमी अपनी ही प्रोफाइल में अपनी ही फोटो डाल देता था और ऊपर लिख देता था इट्स मी। It's me। भाई तो नाम तेरा, काम तेरा, मुंड तेरा, तो ये तू ही होगा। एक तो पहली गलती, जब तेरा फोटो तेरा नाम लिख दिया तो कैप्शन में इट्स मी की जरूरत नहीं। दूसरी बात, अगर इट्स मी लिख भी दिया तो ये भी ग्रामेटिकली गलत है। ये इट इज आई होना चाहिए, ये मैं हुआ करता था तो इट वॉज आई होना चाहिए, ये वह था तो आई, ये हम हैं तो इट इज वी होना चाहिए, ये वो लोग हैं तो इट इज दे होना चाहिए, ये तुम लोग हो तो इट इज यू होना चाहिए, ये वह है तो इट इज ही होना चाहिए, ही शी होना चाहिए, इज इट हो नहीं सकता पर्सन के लिए, पर्सनलिटी। सो इट के साथ वी जब भी आता है तो ये इसी सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए आता है, टू एम्फेसाइज एनी सब्जेक्ट। We use it be। तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्टिव केस भी रहता है। अब पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर आप मुझे अलाउ करो तो ये दो लाइन हटा दो। अब पेपर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इट इज मी, हु इज गोइंग टू विजिट देयर, और ये अंडरलाइन कैसे आ जाता है, ABCD। आई हु इज, आई हु आर, मी हु इज, नन ऑफ द अबाउ, या फिर नो। तो अपने क्लास में सबसे ज्यादा आंसर कौन से ऑप्शन आते हैं? सी। यहाँ पर सी राइट आंसर दिख रहा है। आपको पता होगा जिसका कोई नहीं होता उसका बी होता, बी होता है। तो बी अपने आप में प्योर फॉर्म भी होती है, बी की प्रेजेंट फॉर्म जो डिराइव करते हैं हम क्या निकलती है, इज आर एम। बी की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वाज वर। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी। बी की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, बी। यानी कि इसके साथ ये तमाम चीज रख के कुछ भी केस आ रहा है तब क्या लगेगा, सब्जेक्ट फ्रेज। ठीक है, अब मुझे बताओ किस किस का आंसर सी आ गया, नहीं आया होगा, किस किस का आंसर ए आ गया, रेज योर हैंड। देखो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसे पहला जैसा सब्जेक्ट होता है वर्ब भी उसी के अनुसार लगती है, और आई के साथ इज या आर का इस्तेमाल नहीं होता, आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है, और इसलिए इसका राइट बनेगा आंसर आई हू एम। इट इज आई हू एम गोइंग टू विजिट देयर, इट इज आई हू एम टू विजिट देयर। लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश में यहाँ पे भी हम गलती करते हैं, इट इज आई हू इज going to
इज इट देयर, हु इज गोइंग देयर, टेबल इस तरह का यूज कर लेते हैं। आई के लिए इज का इस्तेमाल नहीं होता, एम का इस्तेमाल। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास ये और तो क्या आंसर? अरे वाह, बड़ा खुश हो रखा है एक नए नए क्वेश्चन को देख के। आपको कह रहा हूँ, अरे आपको ही कह रहा हूँ। चलिए आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर टू का। शाबाश शाबाश। हाँ जी बताओ। Yes, beautiful boy. Yes, smart boy. Hey, thank you, sir. I appreciate your compliment. फर्स्ट फॉर्म में क्या रखा है तो सब्जेक्ट प्लूरल है सिंगुलर,
प्लूरल, तो बताओ ऐसे है, इस लगेगा या नहीं? ठीक है, इसी पर एटी में एक और हो जाए, एक और हो जाए, एक एक और हो जाए, एक होता है एक और हो जाए, एक होता है एक एक और हो जाए, क्या फर्क है? शी अकेली नहीं है, इनके साथ है, बारहवीं फेल है, ग्यारहवीं फेल। बता दिया लगे बारहवीं फेल लग गया। ये फुल स्टॉप की जगह ना इंटरोगेटिव लगा लेना, सेंटेंस इंटरोगेशन का है। हाँ जी, क्या आंसर आ गया? सी आ गया, बिल्कुल सही है जी। आपको पता है कि इनके बाद बी आ जाए तो पक्का सब्जेक्टिव केस लगेगा, तो लगे तो दोनों का केस निभाता है। और ये हर का क्या बन जाएगा? शी, मी का क्या बन जाएगा? आई। और निकल जाओ दो चार, अरे पूछ के निकल जाते यार। मैं तो देख रहा था भाइयों की तैयारी चल रही है अभी बस। ना ना सीना थोड़ा कर बोर हो रहे हैं, क्या प्रोनाउन का टॉपिक हमें आता है, मैं देता हूँ सवाल। और भूखे पहले बताओ कितने लोगों की बात हो रही है? तीन, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल तो वर्ब भी कैसे लगेगी? प्लूरल तो नाम का क्या है? आठ। नो आई मी सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो चारों रूल समझ में आ गए? अभी not be me and my brother who can certainly be the ultimate enemy. Slash, slash, slash. A, D, C, no error, D. अब सब कुछ पढ़ाने के बाद जब सेंटेंस को ऐसा जंबल कर दिया जाता है तब समझ में नहीं आता कि इसको क्या करें। Huh?
है पढ़ाई पे ध्यान दिया करो थोड़ा तो। Why should it not be? अब ये देखो ये क्या है it और ये क्या है be? पक्का क्या आएगा subjective case? So me and my brother और ना I and my brother और my brother और I कितने लोग हो गए? दो। तो who के बात कर रही है? इस आरे मौका तो देख लेते बाद में रखना कहीं तो किसी के भी साथ आ सकते हैं गलती कौन से बात में होगी? ठीक है। So same pattern के question आप देख रहे हो it be और subjective case के कितने सारे question अपने आप में form हो सकते हैं? ये क्वेश्चन आईबी केस क्लर्क का है। तुमने कौन सा चेक करना छोड़ दो ये क्यों लिख दिया आईबी केस क्लर्क क्वेश्चन क्वेश्चन आइए अब अगली बात पढ़ते हैं पजेसिव केस। अच्छा चलो फिर एक बार सुना दोगे ये चार कॉन्सेप्ट कौन कौन से पढ़े बिना देखे? वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, प्रपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा, क्या लगेगा? ऑब्जेक्टिव केस। इट के बाद बी हो तो ऑब्जेक्टिव केस देखते ही सही नहीं है, गलत है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। क्या होता है ना जब तक मेमोरी थी मैंने भी पढ़ा दिया फुलफिल हो गई ओवरफिल हो गई। चलो चलो मैं पजेसिव एडजेक्टिव पे आता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ माय पेरेंट्स आर गुड मेरे माता पिता बहुत अच्छे वेरी और इसके अंदर मैं एक और लिख देता हूं माय पेरेंट्स आर गुड पेरेंट्स तो आपने पता होगा प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों करते हैं नाउन के स्थान पर तो करते हैं और दूसरा टू इंटेंसिफाई या इंक्रीज द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द लैंग्वेज वी यूज प्रोनाउन व्हाई वी डू सो मतलब मैं बार बार अगर एक ही नाम ले रहा हूँ कि आपकी क्लास में कोई एक कॉमन टीचर हो जो पढ़ाता है मेरे अलावा मान लीजिए कोई एक्स टीचर है और उसका नाम है हीना मैडम पढ़े हो हीना मैडम से सुना ही नहीं है ना देखो कितनी फेमस है तो हीना मैडम आपको आपको सबको पढ़ाती है तो मैं कहूँ हीना मैडम वहाँ से आती है हिना मैडम ये चीज़ पढ़ाती है हिना मैडम ये करती है हिना मैडम ऐसे करती है हिना मैडम ऐसे करती तो आप कहोगे सर हिना मैडम की ही बात हो रही तो हिना मैडम जो शब्द पहली बार बोला हो तो फिर खाली वह 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 का इस्तेमाल करो ही नहीं शी शी का इस्तेमाल करो तो इसका मतलब पेरेंट्स शब्द भी आ गया फिर से पेरेंट्स आ गया तो मुझे कुछ ना कुछ इलॉक करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा तो इसका मतलब माई पेरेंट्स आर गुड तो अपने आप में सेंटेंस ठीक है पर माई पेरेंट्स आर गुड पेरेंट्स ये अपने आप में थोड़ा सा गलत अब ऐसे में क्या करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव के साथ जो नाउन होता है वो खुद प्रोनाउन का काम करने लगता है अगर वही नाउन दो बार रिपीट है तो जिसके साथ पर्सनल प्रोनाउन लगा हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है वो चीज प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएगी ध्यान से सुनना तो पेरेंट शब्द बार दो बार रिपीट हो रखा है तो नाउन दो बार रिपीट हो रखा है लेकिन इसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव किस वाले के साथ में है पहले वाले पेरेंट्स के साथ या दूसरे वाले पहले वाले के साथ तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा माइन और इसी को लिख सकते हो माइन आर गुड पेरेंट्स माइन आर गुड पेरेंट्स। अब आप कहोगे सर माइन के साथ ही आर क्यों आया क्योंकि माइन के अंदर जो नाउन है वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है प्लूरल को प्लूरल को और इसी के लिए इसके साथ क्या आया तो अगर मैं कहूं माइन डैश अ ग्रेट कॉलेज तो बताओ किस आएगा या आर आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखो माइन इज अ ग्रेट कॉलेज सो ये कहना चाह रहा है कि मेरा कॉलेज एक महान कॉलेज है बात किसकी हो रही है माइन के अंदर कौन सा नाम छुपा हुआ है कॉलेज और कॉलेज कितना अ कॉलेज यानी सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए क्या मिल जाएगा इज यस और नो तो अगर मैं यहां से कहूं आवर्स हैव अ ग्रेट लेवल ऑफ विजडम
विजडम और यहां पर क्या मैंने अंडरलाइन ए बी सी डी आवर हैज आवर हैज वी हैव कैन नॉट इंप्रूव हमारी विजडम ग्रेट विजडम है या हमारे पास ग्रेट लेवल ऑफ विजडम है हमारे पास और अगर हमारे पास है तो वी हैव बोलूंगा या आवर्स हैज बोलूंगा वी हैव बोलूंगा जस्ट इसके अंदर कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं अगली बात इसी के अंदर पांच छह क्वेश्चन एक साथ करेंगे अभी कई बच्चों के समझ में नहीं आया ये चल क्या अब आगे चलो तो इसका मतलब माई प्लस नाउन हो तो क्या बन जाता है माई तो आवर प्लस नाउन हो तो क्या बन जाता है आवर तो यू प्लस नाउन हो तो क्या बन जाता है योर्स और आगे बोलते जाओ हर प्लस नाउन होगा तो हर्स तो हिज प्लस नाउन होगा तो सेम यानी हिज ही रहता है ये स्पेशल केस है इट प्लस नाउन होगा तो क्या इट्स का कुछ नहीं बनता इट्स का कुछ नहीं बनता देयर प्लस नाउन होगा तो क्या बनेगा देयर प्लस नाउन का देयर ये पजेसिव प्रोनाउन अब अगर मैंने बोला माय सिस्टर इज ए गुड सिस्टर तो इस सेंटेंस को कैसे रीराइट कर सकता हूँ तो माय सिस्टर की जगह क्या लिख सकता हूँ माय तो अगर ये होता हिज सिस्टर इज अ गुड सिस्टर तो इसको रिप्लेस करके क्या लिख देता His plus noun क्या बनता है His अगर ये होता Her sister is a good sister तो ये क्या बनता Hers is a good sister Yes or no लेकिन अगर गलती से मैं यहाँ A हटा के और sisters कर देता तो तीनों सेंटेंस में mine, his और hers तो सेम बने रहते लेकिन चेंज क्या हो जाता है कि इस की जगह क्या हो जाता है क्योंकि अब ये my sisters की जगह किसको शो कर रहा था sisters तो इस आ गया आर तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आ यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आ इन छोटी छोटी बातों को समझने के बाद जो मिक्स करके क्वेश्चन जो आता है पेपर में वो ये आता है उनके जितने भी अस्पताल हैं वे सारे के सारे ब्यूटीफुल क्रिएटेड अस्पताल हैं ये कहना चाहते हैं तो उनके सारे के सारे अस्पताल ब्यूटीफुली क्रिएटेड अस्पताल हैं बार बार कौन सा शब्द रिपीट हो रहा है अस्पताल तो हॉस्पिटल शब्द एक बार लिख दिया तो दूसरी बार लिखने के लिए देयर का मैं क्या निकाल लूंगा पजेसिव प्रोनाउन तो वो क्या हो जाएगा देयर बात तो यही खत्म हो गई और हॉस्पिटल एक की बात हो रही है एक से ज्यादा की एक से ज्यादा की तो इज आएगा या और तो आंसर क्या हो जाएगा देयर के बाद नाउन अगर देयर हॉस्पिटल इज ब्यूटीफुली क्रिएटेड हॉस्पिटल तो हम उसको देयर करते हैं तो वही तो मैं कह रहा हूँ इसी सेंटेंस को अगर रीराइट करना चाहे तो माई इज गुड सिस्टर्स इज अ गुड सिस्टर ये भी तो सेंटेंस ठीक बता रहा हूँ ना नाउन की जगह पर आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं
ऊपर में लाइन है माय सिस्टर इज गुड सिस्टर, अगर केवल माय इज गुड सिस्टर होता तो माय इज गुड सिस्टर। क्या कभी माई सब्जेक्ट का काम कर सकता है? सब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या फिर प्रोनाउन करता है, और पजेसिव एडजेक्टिव का प्रोनाउन कैसे बनेगा? माई का माई। एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट का काम कर सकता है? सच्ची बात, नहीं है। यही तो कह रहा हूँ कि नाउन को रिप्लेस कर देता है प्रोनाउन। तो नाउन वही नाउन जो रिपीटेड नाउन है, अगर वो किसी पजेसिव एडजेक्टिव के साथ आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन। और ये इसलिए ऐसा चैप्टर है, इसमें जो बच्चे कुछ बच्चे बच जाते हैं उन्हीं को पढ़ाता हूँ। आज तक का कोई चैप्टर ऐसा नहीं था जो इतना ज़्यादा भारी हो, और ये सिंगल टॉपिक। चलो, तो इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि देयर हॉस्पिटल्स आर ब्यूटिफुली क्रिएटेड हॉस्पिटल्स। किसी नाउन की रिपीटेशन हो तो इसकी जगह क्या यूज होता है? प्रोनाउन। तो अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन दे रखा है तो इसी का एडजेक्टिव प्लस नाउन की जगह मैं क्या निकाल लेता हूँ? देयर। तो मैंने देयर की जगह क्या लिखा है? देयर। लेकिन कितने हॉस्पिटल की बात हो रही है? बहुत सारे। तो बहुत सारे की है तो किस आएगा? आर आर। क्वेश्चन नंबर एक ये था, क्वेश्चन नंबर दो और देखो। एक ही क्वेश्चन में पैटर्न फॉलो मत किया करो सारे, दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन पाँच क्वेश्चन में जाके देखा करो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स अगर समझ में आ गया तो उसके बाद ये x5 प्लस x स्क्वायर x5 भी समझ में आ जाएगा। यस और नो? नो सर। हैं, मैथ्स कमजोर है? मैथ्स कमजोर है या आप मैथ्स में कमजोर है? नहीं नहीं, तो इस वजह से पता लगता है कि आदमी की हिंदी भी कमजोर है। अब इसको कहने का मतलब क्या है? उसका फूल। तुरंत इसके पास चले जाया करो नाउन के पास, उसका फूल। और उसका फूल जो है वो सबसे सुंदर फूल है सभी में से निकाल के, अमंग ऑल। तो बात क्या कहना चाह रहे हैं? हर फ्लावर। कितने फ्लावर की बात हो रही है? एक। तो इसका मतलब हर फ्लावर की बात हो रही है, हर फ्लावर की बात हो रही है। तो पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन क्या बन जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन। और हर का पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा? हर्स। तो बिना किसी चीज के आए नाउन के लगाए तो प्रोनाउन ही आ सकता है, और क्या आ सकता है? हर्स। अब बताओ कि सिंगुलर को क्वालिफाई कर रहा है प्लूरल को, सिंगुलर को, तो क्या आ जाएगा? इस ज्यादा तीनों में कॉमन ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या आ गया? बी। शाम देख समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन देखो। थैंक यू। बस पढ़ो पढ़ो। क्या बस जोरी? क्वेश्चन नंबर तीन क्या? Thank you.
क्वेश्चन आ रहा है फाइनल में लगेगा अलजेब्रा हो गए क्लास में अलजेब्रा हो गए अलजेब्रा अगर मैं कहूं सैम्स बुक एंड डेविड्स बुक और दोनों बुक सेम है तो मैं क्या कह सकता हूं सैम एंड डेविड्स बुक ठीक है कैसे और ये भी एपोस्ट्रोफी में आता है जब स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो तो एक में लगेगा जब अलग अलग हो तो दोनों में अलग अलग ठीक है ये भी चौथा रूल अब यहाँ पर अगर मैं सैम और डेविड हटा के मेरी और उसकी कर दूँ तो मैं कहता हूँ माई बुक एंड हर बुक तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ माई एंड हर बुक बुक कॉमन आ गया और बच्चा क्या माई एंड हर माई एंड हर को बाहर निकाल लिया और ये लाइफ में लगा दिया गलत नहीं मैं बता माई एंड हर बुक मेरी और उसकी किताब अ बुक पजेस्ट बाय मी एंड हर एज वेल इसका मतलब ये और अगर इस बुक को बार बार ये लिखूं माई एंड हर बुक इज अ कॉस्टली बुक तो ये एक सेंटेंस बन गया बिल्कुल सही है लेकिन इसमें कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है बुक अगर मैं इस बुक को हटा दूं तो बताओ माई का क्या बन जाएगा माई और हर का क्या बन जाएगा हर्स एंड माइन एंड हर्स इज ए कॉस्टली बुक सही है या गलत है बिल्कुल सही है यस और नो समझ में आया अब बताओ ये इज क्यों आया जबकि ये तो दो लगे हुए हैं ये इज किस पर डिपेंड करता है बुक के लिए ये इसके लिए आया यस और नो आप बताओ इस क्वेश्चन के अंदर देख के बताओ क्या कि उसकी और उनकी जो केमिस्ट्री थी बिजनेस प्रैक्टिस को डील करने में वो बहुत अच्छी थी तो बात कौन चीज अच्छी थी केमिस्ट्री और केमिस्ट्री जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल सिंगुलर तो ये इज आएगा या आ इज या तो इज ये वाला ठीक है तो नो इंप्रूवमेंट आना चाहिए या फिर ये इस ठीक है इसका मतलब बी या सी तो नहीं आएगा अब बताओ मैं कह रहा हूँ उसकी केमिस्ट्री और उनकी केमिस्ट्री तो उसकी केमिस्ट्री क्या बनना चाहिए था हर्स और देयर का क्या बनना चाहिए था देयर और बीच में क्या लगना चाहिए था एंड बताओ शी एंड देयर बनेगा ये नहीं नो इम्प्रूवमेंट का मतलब हर एंड देयर बनेगा ये नहीं आंसर क्या आना चाहिए नन ऑफ द अबव राइट आंसर होना था हर एंड घर जाके थोड़ा थोड़ा दो बार तीन बार एक बार पढ़ना इसको बात जरूर समझ में आएगी चलिए एक बात बताइए प्रेफर के साथ देन आता है या टू आता है प्रेफर के साथ देन आता है या टू आता है बैठ जाओ भैया थोड़ी देर में छोड़ दो मतलब अगर मैं यूं कहता हूँ आपसे मैं पूछ लूँ कि चाय पियोगे या कॉफी तो आप कहोगे जी खाना खाएंगे
तो आई प्रेफर कॉफी देन टी होगा या टू टी होगा? टू टी। तो प्रेफर के साथ हमेशा क्या लगता है? टू। अगर मैं यू कहूं आई प्रेफर यू टू शी, क्या ये सेंटेंस ठीक है या गलत? तो आपको पता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगती है, ये बात तो ठीक है, पर आपको ये भी तो पता होना चाहिए प्रेपोजिशन के बाद भी क्या लगता है ऑब्जेक्टिव केस, ये क्या होना चाहिए था? यस और नो? अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं एक क्वेश्चन लिख दूं, आई प्रेफर योर कंपनी देन हर, और ये पेपर में क्वेश्चन आ गया ए बी सी डी, देन hers to her ये to hers and no improve। तो इसके अंदर दो नॉलेज होनी एक साथ जरूरी है, पहली बात तो प्रेफर के साथ क्या आएगा, देन आएगा या टू आएगा, और दूसरी बात आप यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिजेंबल कर रहे हो या फिर किसी की कंपनी को किसी दूसरे की कंपनी से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो या प्रेफरेंस लेने की कोशिश कर रहे हो। व्हाट शुड बी द आंसर? यस, अगर मैं यहां पर तुम्हें प्रेफर कर रहा होता तो तुम्हें उसकी जगह पर प्रेफर कर रहा होता, लेकिन इसमें कह रहा हूं मैं तुम्हारी कंपनी को प्रेफर करता हूं बजाय कि उसकी कंपनी के, हर कंपनी, और कंपनी शब्द यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो अगर किसी पजेसिव एडजेक्टिव के साथ रिपीटेड नाउन आ रहा हो तो वो किस में तब्दील हो जाता है? पजेसिव प्रोनाउन में, और हर का पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा? हर्स। तो आपका आंसर या तो ए होगा या फिर सी, लेकिन प्रेफर के बाद देन नहीं आता, क्या आता है? टू। आंसर क्या होगा? यस और नो? अगला क्वेश्चन देखो, आखिरी क्वेश्चन आज का, साढ़े दो तक क्लास है, साढ़े दो तक ही चलेगा वो, साढ़े दो होता है भाई साहब, मेरे तो साढ़े एक भी बजे थे एक बार, वो तो अच्छा है, कई के बच्चों की नॉन एक्ट भी बजते हैं। हाँ, पौने 41 बहुत बढ़िया, पौने 41। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, आठ ऑप्शन दूंगा, कितने जी? आठ, और कोई एक सही होगा, लेकिन आपने अपने अपने तरीके से जो सही लगे उसका एक एक आंसर सबने बताया, ठीक है? मैंने बोल तो दिया। यार ये धोखा देगी बस मेरे को तो। भाई साहब झेल लो एक बार, मैं एक बार रफ लिख लूँ, मैं बोल बोल के बता दूंगा अगर नहीं दिखाई दे। आठ हो गए, आई तक नौ हो जाते हैं। अच्छा, एक इसका
तुम बोल देना, मतलब जिस बच्चे का भी आंसर आ रहा है ना और जो सही आंसर नहीं है, मतलब मेरे को पता है इसका सही आंसर क्या है, तो आप लोग बहुत नाइव, बहुत मतलब ड्यूलिबल स्टूडेंट हु कैन इजीली बी डिसीव्ड एंड ट्रिक। अप्लाई योर माइंड, दिमागदार होना जरूरी है, समझदार। मैडम प्लीज़ बैठिए, आप लोग प्लीज़ आप आइए, आपकी क्लास का स्वागत है। किसकी क्लास है बच्चा, किसकी क्लास है? भगवती सर की क्लास है। ग्रेट, हिज कैसे सही आंसर है नहीं सही आंसर है। अच्छा एक बात बताओ, ए ए ए बिल्कुल अब बदतमीजी नहीं देखो, अब मैं हूं ना उसके लिए। देखो एक घर है ये और एक घर है ये बिल्कुल सामने, ध्यान से सुनना, ये मिसेस सिंह का घर है। किसका घर है? मिसेस सिंह का। तो मिसेस सिंह के जो मिस्टर होंगे वो मिस्टर सिंह होंगे, और ये सामने मिस्टर शर्मा का घर है, तो मिस्टर शर्मा की जो मिसेज होगी वो क्या होगी? मिसेज शर्मा। पक्का भैया? एक दूसरे के घर में तो नहीं घुसाने, ठीक है? अब मिसेज सिंह ने अपने बच्चों को जुम जाने के लिए अलाउ किया कि जाओ तुम फिलहाल एक बार चिड़िया घर जाओ। देख 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 स्टोरी में तो इसका मतलब चिल्ड्रन का, तो मिनिमम कितने चिल्ड्रन होंगे? तो चिल्ड्रन प्लूरल होता है और प्लूरल एक से बड़ा होता है तो दो हो गए। अब अगर ये कह रहे हो आप कि इसका आंसर डैम आएगा, तो क्या मिसिस मिस्टर शर्मा ने इनको जाने से रोक दिया? इसके घर की चीज उसके घर में कैसे चल रही है? समझ में आई या नहीं? मैं आपको कह रहा था इसमें ढाई बजेंगे, साढ़े दो। तो इसका मतलब मिसेस सिंह ने अपने बच्चों को जाने दिया और मिस्टर शर्मा ने अपने बच्चों को नहीं जाने दिया, हिज चिल्ड्रन, यस और नो? और चिल्ड्रन शब्द रिपीट हो रहा है तो हिज का पजेसिव प्रोनाउन भी क्या बनता है? हिज। आंसर क्या है? यस और नो? समझ में आया? आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।